नमस्कार दोस्तों, वैदिक फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर गिर गायों की दर्शन कराने जा रहा हूं, तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा और स्किप मत करिएगा। दोस्तों, आज हमारे प्रतापगढ़ ज़िले में इतनी सुंदर गिर गाय आपको दर्शन के लिए मिल रही हैं। हमारे गाँव के पास में ही एक गाँव है जहाँ एक किसान भाई ने इन्हें गुजरात से लाया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी में है। आप सामने दो बछड़े देख सकते हैं जो कि अभी छोटे छोटे हैं और दूध पीते हैं। सामने आप एक लीली गाय को देख सकते हैं जो कि बहुत ही सुंदर है, और सामने कुछ हीफर्स को देख सकते हैं, गिर की बछड़ियाँ जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी में है। और इस बछड़े को देखिए दोस्तों, एकदम गुजरात वाली क्वालिटी है दोस्तों, एकदम प्योरिटी में आया है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ABS के चेतक का ही बछड़ा है। और दोस्तों, इस बछड़ी की प्योरिटी को देखिए, इसके लंबे लंबे कान और बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स और माथे की चौड़ाई को देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाजवाब बछड़ी है। इस एक काबरी बछड़ी आपको सामने दिख रही होगी, इन सभी की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। और इस गाय को देखिए दोस्तों, ये इस पूरे बाड़े में सबसे बड़ी और सबसे हैवी बॉडी वेट की गाय है। इसके माथे की चौड़ाई और उल्टे मटके की तरह इसका जो माथे का शेप है उसे आप देख सकते हैं दोस्तों। और कान देखिए इसका कितना बड़ा है, इसका शरीर भी बहुत ही ज़्यादा हैवी बॉडी वेट का है। इसे दूर से देखने पर मुझे लगा कि ये शायद बुल होगा, और जब मैं पास से देखा तो ये गाय निकली दोस्तों, बहुत ही सुंदर गाय थी। और इस बुल को देखिए दोस्तों, काबरे में ये बुल है जो कि सफ़ेद और लाल धब्बे लिए हुए है। इसे हमारे यहाँ चितकबरा बोलते हैं इस रंग को दोस्तों, बहुत ही सुंदर बुल है। अभी इसने शायद सर्विस स्टार्ट ही किया है, छोटी उम्र का बुल है दोस्तों, पर बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी में इसके बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप इसकी सुंदरता और बॉडी वेट को भी देख सकते हैं, और इन बछड़ियों के तो क्या ही कहने दोस्तों, इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ पे आकर दिल गदगद हो गया दोस्तों, इतनी सुंदर सुंदर गायें। ये आप सामने बैठी हुई काबरी गाय को देख सकते हैं जो कि बहुत ही सुंदर है, और इसी ने इस बछड़े को जन्म दिया है जो आपने स्टार्टिंग में छोटे से बछड़े को देखा, जो कि ABS के चेतक की तरह दिखता है। बहुत ही सुंदर बछड़ा है दोस्तों, और इन बछड़ियों की खूबसूरती को देखिए, कितनी सुंदर, और इनकी सेवा भी बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। सभी के स्वास्थ्य बहुत ही अच्छे हैं। ये सब 1.5-2 साल की बछड़ियाँ होंगी। और सामने गायों को भी आप देख सकते हैं, कितनी ही सुंदर गायें। और ये लीली गाय देखिए दोस्तों, ये शायद अभी ड्राई पीरियड में चल रही होगी, इसे देखने से ऐसे लगता है कि अभी ये ड्राई होगी। और इन छोटे बछड़ों को देखिए दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे मिल्किंग कितनी होती है और लगभग कितनी गाय और भैंसें यहाँ रखी गई हैं। यहाँ फार्म में मुझे पता लगा कि कुछ मुर्रा भैंसें भी हैं जो कि हरियाणा पंजाब से लाई हुई हैं, तो उनकी भी वीडियो मैं अगली बार दोस्तों जल्दी लाऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, इस गाय की क्वालिटी, माथे की शेप को देखिए दोस्तों, कितनी ही भारी है। यहाँ पे मैंने अपने एरिया में प्रतापगढ़ ज़िले में दोस्तों इतनी सुंदर गाय पहली बार देखी, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी में। ऐसा लग रहा है कि मैं गुजरात में ही आकर खड़ा हूँ, ये ऐसा लग रहा है कि कोई गुजरात की ही गौशाला है। ये देखिए दोस्तों, इस गाय की भी बॉडी वेट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही लंबी हाइट लेंथ की गाय है दोस्तों। इसके सींग की क्वालिटी देखिए, बहुत ही शानदार और परफेक्ट सींग वाली गाय है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई आपको जानकारी चाहिए इन गायों के प्रति तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगली वीडियो में मैं आपको और भी ज़्यादा डिटेल के साथ बताऊँगा हर एक गाय कि कौन सी गाय मिल्किंग में है, कौन सी ड्राई पीरियड में है, कौन सी प्रेग्नेंट है, और कौन सी गाय कहाँ से लाई गई है, गुजरात के किस एरिया से कौन सी गाय है, सभी की डिटेल बताऊंगा दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप इन सुंदर गौ माताओं को देख सकते हैं दोस्तों। आज मैं जब रास्ते से जा रहा था तो मेरी नज़र यहाँ पड़ी, तो मैं यहाँ खींचा चलाया दोस्तों इनकी सुंदरता देखकर। दोस्तों, आप इस गाय की अडर क्वालिटी देख सकते हैं, कितनी शानदार और बड़े बड़े थन हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय श्री राम।